अरे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप तत्काल टिकट कैसे कंफर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो तत्काल टिकट निकाल पाना, वो भी कंफर्म, काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में आप यही सीखेंगे, यही जानेंगे कि आप किस तरीके से तत्काल टिकट अपने लिए आसानी से कंफर्म निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, पूरे प्रोसीजर को ध्यान से देखें, फिर आप आसानी से तत्काल टिकट बिना किसी एजेंट के पास गए हुए, बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए हुए आप आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आपको करना क्या है। पहले आप अपना फ़ोन अपने हाथ में ले लें, मैं भी अपना फ़ोन ले लेता हूँ। और अब आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि आपको ज़रूरत होगी आपके ई वैलेट की। अगर आपने अभी तक अपना कोई भी ई वैलेट नहीं बनाया है, जैसे पेटीएम, मूवी विकी, तो जाएं और पहले अपना एक ई वैलेट बना लें। चलिए, तो अब अगर आपके पास ई वैलेट है, आपने बना लिया है, तो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या करना है। आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, आप सर्च में डालेंगे IRCTC। तो आप यहाँ एक एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन IRCTC की एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है। तो अब आप इसे इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन में, और जब आप इसे शुरू करेंगे तो आपको ये स्वीट सा इंटरफेस दिखेगा। और जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है टिकट बुकिंग, आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपके क्रेडेंशियल मांगेगा, आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो आप वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड इसमें एंटर करेंगे जो कि आपके IRCTC वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है। तो अब आप यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे, और आप जब नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपसे एक 4 डिजिट का पिन सेट करने को बोलेगा। ये पिन आप सेट करेंगे और आप याद रखेंगे, क्योंकि यही पिन आपको हमेशा लॉगिन करने के लिए इस एप्लीकेशन में लगेगी। अब आप लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के बाद आपने सिंपली टिकट बुकिंग पे क्लिक करना है, और आपको अब ट्रेन सर्च कर लेनी है आपको जहाँ से जहाँ तक ट्रैवल करनी है। सपोज़ मुझे इलाहाबाद टू मुंबई ट्रैवल करना है, तो फर्स्ट में मैं इलाहाबाद डालूंगा एंड सेकेंड में मुझे मुंबई डालना है। अब आप नेक्स्ट में डेट सेट कर लेंगे। सपोज़ मुझे अगर कल ट्रैवल करना है तो मैं आज तत्काल टिकट के लिए जा रहा हूँ, अगर कल 17th है तो आपको ऑब्वियसली 16 को टिकट करनी होगी। तो आप यहाँ पे डेट सर्च कर लेंगे, डेट टिक कर लेंगे और आप मूव करेंगे बुकिंग टिकट की तरफ। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फर्स्ट में तत्काल, आप तत्काल पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर सर्च ट्रेन में कई सारे ऑप्शन दिखाई देते रहेंगे। और आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप पहले उन ट्रेनों के लिए जाएंगे जिन ट्रेनों में रश कम होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी रूट में, सपोज़ अगर इलाहाबाद टू बॉम्बे 3 सुपरफास्ट ट्रेनें चलती हैं, 2 एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं, तो सुपरफास्ट में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रश होगा, सभी उसी टिकट के लिए पहले जाएंगे। तो आपको पहले उस ट्रेन के लिए नहीं जाना, आप एक्सप्रेस वगैरह के लिए जाएंगे, क्योंकि आपका मेन पर्पस है कम्फर्टेबली अपने डेस्टिनेशन को पहुँचना। तो आप यहाँ पर ये ट्रेन सेलेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। जो टाइम डिवाइडेड है, सपोज़ 11 o'clock को अगर स्लीपर की शुरू होती है तो अकॉर्डिंगली आप स्लीपर को सर्च करेंगे एंड आप यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आप मूव करेंगे, आपने आपका नेम और एज एंटर करना है। आप बहुत हड़बड़ी में जब रहेंगे तो अपना फुल नेम एंटर करने के लिए नहीं जाएंगे। सपोज अगर आपका नाम दीपक कुमार है तो आप सिंपली डी कुमार एंटर करेंगे, एज एंटर करेंगे, आप कैप्चा डालेंगे और आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पर आपका पेमेंट पेज आपको दिखाई देगा। पेमेंट पेज में आपको अब ई वैलेट सेलेक्ट करना है, और आप ई वैलेट में पहले से ही अमाउंट ऐड करके रखेंगे। अब आपने क्या करना है, आप ई वैलेट सेलेक्ट करोगे, आप कोई भी एक वैलेट सेलेक्ट करोगे। सपोज आप मोबीक्विक सेलेक्ट करते हैं तो आप मोबीक्विक सेलेक्ट करेंगे एंड देन आप नीचे में नंबर एंटर करेंगे। ये नंबर वो नंबर होगा जिस नंबर से आपने मोबीक्विक या किसी भी ई वैलेट पे रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो जिस भी रिस्पेक्टिव ई वैलेट पे आपने रजिस्टर किया है वो नंबर, आप वो नंबर यहाँ एंटर करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, आप वो OTP एंटर करेंगे एंड दैट्स ओके। फ्रेंड्स, बहुत ही कम टाइम लगता है, 15 से 20 सेकेंड के अंदर आप टिकट कर पाएंगे। और आप कितनी भी बिजी शेड्यूल रहे, कितना भी सीजनल टाइम रहे, आप यहाँ से टिकट निकाल पाएंगे। अब बात रही फ्रेंड्स ये कि क्या मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ या ये ऐसा होता भी है, तो चलिए ये देखिए प्रूफ। मैंने पटना टू कल्याण मैंने टिकट करी थी, और जो लोग भी इस रूट में ट्रैवल करते हैं पटना से मुंबई वगैरह के रूट में, उन्हें अच्छे से पता होगा इस रूट में
तत्काल टिकट निकाल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन ये टिकट हुई है और आप देख रहे हैं, तो इस प्रोसेस के थ्रू ही हुई है। और फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट वे है, आपको 100 से भी ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे। इनफैक्ट मैंने भी बहुत तरीके से ट्राई किया हुआ है, आपको 100 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे बिखरे मिलेंगे। कई सारे आपने ब्लॉग्स में पढ़ा होगा, आप ये एक्सटेंशन यूज़ करो, वो एक्सटेंशन यूज़ करो, आप ट्रस्ट कीजिए कुछ भी काम नहीं करने वाला। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप वेबसाइट से जाते हैं तो जैसे ही आपके तत्काल का टाइमिंग होता है, आपको IRCTC लॉग आउट कर देती है और आपको वापस लॉग इन करना होता है, और तब तक काम ख़त्म हो चुका होता है। तो आप ये प्रोसेस यूज़ करेंगे फ्रेंड, और अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, टिकट काफ़ी ज़्यादा रश है, तो इसके लिए आप पहले मेरा ये वीडियो देख ले, इसमें आपको टोटल एक्सप्लेनेशन दी गई है किस तरीके से आप अपनी जर्नी ब्रेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप टिकट के लिए जाएँ, 100% टिकट होगा। अगर आपको इसके बाद भी परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको श्योरली आंसर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो मैंने एक सोशल कॉज के लिए ही बनाई है। क्योंकि आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके फैमिली, जिन लोगों को भी टिकट के लिए पास में प्रॉब्लम होती रही है, वो अब ये प्रॉब्लम फेस ना करें, एजेंट को जो आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं वो आपके पैसे सेव हो जाए, तो इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, ताकि लोग आने वाले इस प्रॉब्लम से बच सके। सो स्टे हेल्दी, गुड बाय, गुड लक।